Let's start. So in the last class we have done that animal breeding. So animal breeding में हमने दो चार चीजें की थी. पहली चीज हमने की थी that is inbreeding. Inbreeding क्या है? That is the जो हम एक ही breed में से male और female select करके उनकी आपस में breeding करवाएंगे. उसको हम inbreeding का नाम देते थे. इनब्रीडिंग क्या था हमारे पास? जो हम एक ही ब्रीड में से चूज करेंगे उनको एनिमल मेल और फीमेल को, और एक ही ब्रीड में से चूज करके हम क्या करेंगे उनकी आपस में मेटिंग करवाते थे, दैट वाज कॉल्ड इनब्रीडिंग. ठीक है, इनब्रीडिंग से हम प्योर लाइंस मेंटेन कर सकते हैं. ठीक है, और सुपीरियर जीन्स को एक्युमुलेट कर सकते हैं, और जो इंफीरियर जीन्स हैं उनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं सिलेक्शन के थ्रू. लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि इन ब्रीडिंग की वजह से क्या आता था, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आता था. मतलब विद टाइम उनकी जो है रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी जो थी वो कम हो जाती थी. ठीक है, दैट इज कॉल्ड इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. फिर हमने देखी आउट ब्रीडिंग. आउट ब्रीडिंग जो थी हमारे पास वो तीन तरह की थी, एक आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. तो आउट क्रॉसिंग का मतलब क्या था कि हमने मेल और फीमेल सेम ब्रीड से लेने हैं लेकिन उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, दे शुड नॉट बी रिलेटेड बाय डिसेंट, तो उसको हम कहते थे आउट क्रॉसिंग. और इसका जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग आता था, इसकी जो प्रोजेनी आएगी आउट क्रॉसिंग की, उसको हम आउट क्रॉस का नाम देते हैं. ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो सिंगल आउट क्रॉस है, एक सिंगल आउट क्रॉस जो है वो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को एलिमिनेट कर सकता है, खत्म कर सकता है वो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. ओके, देन हमने बात की उसके बाद क्रॉस ब्रीडिंग की. क्रॉस ब्रीडिंग क्या था? दो ब्रीड्स अलग अलग चूज करके उनके बीच में जब हम ब्रीडिंग करवाएंगे दैट इज कॉल्ड क्रॉस ब्रीडिंग. इसमें हमने एग्जाम्पल की थी बीकानेरी ईव्स और मेरिनो रैम्स. ठीक है, दोनों को क्रॉस करके पंजाब के अंदर एक नई वैरायटी तैयार की गई थी, उसका नाम था हिसार डेल. देन थर्ड हम जो करेंगे दैट इज द इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या किया था, स्पीसीज जो है वही चेंज कर दी थी. तो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में जब हाइब्रिडाइजेशन होगी तो उसको नाम देते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का. इसका रिजल्टेंट जो है वो मोस्टली स्टराइल होता है, आगे वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता. ठीक है, तो बेटा मैं तो सबको एडमिट कर रही हूं, पता नहीं वो क्यों नहीं कनेक्ट हो पा रहे. आई कैन सी दैट, मुझे दिखाई दे रहा है कि वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो कोई बात नहीं, देखी जाएगी. फिर हम शुरू करते हैं, कितनी देर वेट करेंगे. तो अगली चीज जो थी कि डिफरेंट स्पीसीज के बीच में हमने जो है जब करवाई थी हाइब्रिडाइजेशन तो उसको इंटर स्पेसिफिक का नाम दिया था. बट जो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से हमारे पास बनते हैं वो हमेशा तकरीबन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर वो स्टराइल होते हैं. ठीक है, तो इसकी एग्जांपल हमने की थी कि हमने मेल लिया था डोंकी और फीमेल ली थी हमने हॉर्स की, दोनों की ब्रीडिंग करवा के हमने म्यूल तैयार किया था. तो जो हमने म्यूल तैयार किया था वो स्ट्रॉन्ग भी है, स्टर्डियर भी है देन देयर पेरेंट्स. ठीक है, और माउंटेनियस रीजन्स के अंदर अच्छे से काम कर सकता है, ज्यादा वो जो है भार उसको मतलब अपनी उस पे उठा सकता है. तो म्यूल लेकिन जो है वो स्टराइल है, तो हम म्यूल को हमेशा ऐसे ही बनाते. ठीक है, क्लियर, वो अपने आप आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता. तो उसके बाद हमने बात की थी क्रॉस ब्रीडिंग के बाद इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की. तो ये तुम्हारे पास एग्जांपल थी म्यूल की. तो आज हम जो करेंगे दैट इज द कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स. कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट मतलब जो हम करते हैं
अपने तरीके से, उसको कहते हैं कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें दो आते हैं, पहला हमारे पास आएगा आर्टिफिशियल इनसेमाइनेशन, पहला आएगा आर्टिफिशियल इनसेमाइनेशन। जैसे सपोज करो तुम कहीं बाहर गए तो तुम्हें वहां पे कोई जो था बुल या ऑक्स जो था उसके करेक्टर्स काफी अच्छे लगे, ठीक है, तो तुम क्या चाहते हो कि मेरा जो मेरी घर पे काउ है जहाँ उसकी जो आगे प्रोजेनी आए उसके अंदर इसके करेक्टर्स आ जाए, तो तुम क्या करोगे उसका सीमेन वहां से यहाँ ले आओगे। सीमेन को हम फ्रीज करके स्टोर कर सकते हैं और सीमेन को हम बार बार यूज कर सकते हैं। और एक ही काउ का सीमेन जो है, एक ही सॉरी मेल का सीमेन जो है बहुत सारी काउस को फर्टिलाइज कर सकता है, ठीक है। तो सीमेन जो है उसको हम फ्रीज करके यहाँ लेके आ सकते हैं, तो तुम वहां से सीमेन जो थे जिस कंट्री के अंदर तुम गए थे वहां से तुम सीमेन ले आए, यहाँ पे आके तुमने क्या किया एक फीमेल सिलेक्ट की सुपीरियर। जब तुमने सुपीरियर फीमेल सिलेक्ट की तो तुमने क्या किया जो फीमेल का विजाइना है वहां पे वो सीमेन जो था वो इंजेक्ट कर, ठीक है। तो सीमेन जब तुम इंजेक्ट करोगे फीमेल फर्टिलाइज हो जाएगी और फीमेल की जो आगे प्रोजेनी आएगी उसके अंदर वो करेक्टर्स आएंगे जो तुम लेके आना चाहते थे, ठीक है। तो सीमेन हमने कलेक्ट किया, सीमेन को हमने फीमेल के अंदर इंजेक्ट कर दिया उसके वजाइना के अंदर और फीमेल हमारी फर्टिलाइज हो गई और फीमेल के अंदर वो करेक्टर्स आ जाएंगे, मतलब जो नेक्स्ट प्रोजेनी होगी उसके अंदर वो करेक्टर्स आ जाएंगे जो करेक्टर्स हम लेके आना चाहते थे। और जो बचा हुआ सीमेन है उसको हम फ्रीज करके दोबारा भी यूज कर सकते हैं। और इससे सबसे बड़ी जो इससे हमारे पास फायदा होता है, एक तो ये होता है कि एक ही मेल का सीमेन बहुत सारी फीमेल्स को फर्टिलाइज कर सकता है, और दूसरा जो नॉर्मल मेटिंग के थ्रू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ट्रांसमिट होते हैं उनका ट्रांसमिशन नहीं होएगा, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं हुआ, तो जो एसटीडीज होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होते हैं वो ट्रांसमिट नहीं होंगे और सीमेन को हम दोबारा यूज के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इनसेमाइनेशन। सुपीरियर मेल सिलेक्ट किया, सुपीरियर फीमेल सिलेक्ट की, जो मेल सिलेक्ट किया था उसका हम सीमेन इकट्ठा करके ले आए और उस सीमेन को हमने उसके अंदर क्या कहते हैं फीमेल के वजाइना के अंदर इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर, फीमेल फर्टिलाइज हो गई, बाकी बचा सीमेन हम फर्दर यूज के लिए फ्रीज करके स्टोर करके रख सकते हैं। इससे ना फीमेल को हमारी को एसटीडी होएगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और ना ही हमारी फीमेल जो है हमारा जो एक मेल का सीमेन है वो बहुत सारी फीमेल्स को क्या कर सकता है फर्टिलाइज कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इनसेमाइनेशन। इसके बाद दूसरा हमारे पास जो आता है दैट इज द एमओईटी। MOET क्या है हमारे पास, दैट इज द मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के लिए हमें बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, तो देखते हैं। तो MOET देखते हैं हम, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको। म्यूट करो अपने आप को। इसका नाम है मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। It is multiple ovulation embryo transfer technology. तो देखो इसमें हमने क्या करना है, हमने एक superior female select कर लेनी, superior female select कर ली, जो female थी उसको हमने FSH follicle stimulating hormone, तुमने पढ़ लिया होगा अब ये follicle stimulating hormone का injection दे देना है। तो अब उसने वैसे एक एग प्रोड्यूस करना था लेकिन अब वो एक एग की बजाय 6 से लेके 8 एग प्रोड्यूस करेगी, 4 से लेके 6 एग प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, कितने भी प्रोड्यूस कर सके, मतलब एक से ज्यादा प्रोड्यूस करेगी। तो जब हमने उसको एफएसएच हाई एक्टिविटी वाला हार्मोन दे दिया तो वो 6 से लेके 8 एग प्रोड्यूस करेगी। फिर हमने सुपीरियर मेल जो सिलेक्ट किया हुआ था वो देख लिया,
सुपीरियर मेल को या तो हम एसएचजी ले या फिर उसका मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं है। महिमा म्यूट करो। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तो जो है हमने क्या किया, अब क्या हुआ, क्या दिक्कत आ रही है? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। आपकी वॉइस को क्लियर नहीं आ रही मुझे, आपके उसमें प्रॉब्लम है मुझे लगता है। एक मिनट मैं देखती हूँ। अब आ रही है मैम, क्लियर आ रही है। यस मैम, अभी सही आ रही है। वॉइस इज नॉट क्लियर। अब ठीक है? अब ठीक है मैम। यस मैम। तो देखो हम कर रहे हैं एमओईटी, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। इसमें हमने फीमेल, सुपीरियर फीमेल पहले सिलेक्ट कर लेनी है। उस फीमेल को हमने FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वाला एक इंजेक्शन दे देना है। इससे क्या होएगा, फीमेल एक एग प्रोड्यूस करने की बजाय 6 से लेके 8 एग्स प्रोड्यूस करेगी, जिसको हम नाम देंगे सुपर ओवुलेशन का। ओवुलेशन होती है एक एग प्रोड्यूस करना, सुपर ओवुलेशन का मतलब है 6 से लेके 8 एग्स प्रोड्यूस करना। तो उसने 6 से लेके 8 एग्स प्रोड्यूस कर लिए। अब हमने सुपीरियर मेल सिलेक्ट कर लिया, या तो हम उस मेल का सीमेन ले आए या फिर उस मेल को जो है हम फीमेल के साथ ऐसे ही क्या करने देंगे, ब्रीड करने देंगे, ठीक है, मेटिंग करने देंगे। तो अगर हम लेके आए हैं सीमेन, तो हम क्या करेंगे, इंजेक्शन के थ्रू सीमेन को अंदर इंजेक्ट कर देंगे फीमेल के वजाइना के अंदर। अब फीमेल के वजाइना के अंदर जब वो इंजेक्ट हो गया सीमेन, तो ये एग्स क्या होने शुरू हो जाएंगे, फर्टिलाइज। क्या हो जाएंगे, ये एग्स फर्टिलाइज हो जाएंगे। फर्टिलाइज होने के बाद ये क्या बना के देंगे हमें, जाइगोट। जाइगोट के बाद ये क्या बना के देंगे हमें, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में भी तुम्हें पहला पता है, पहले 1 सेल स्टेज होती है, फिर 2 होती है, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, मोर ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ये सारी स्टेजेस आती हैं। तो जब ये 8 से लेके 32 सेल स्टेज तक पहुंच जाएगा एम्ब्रियो, 8 से लेके 32 सेल स्टेज तक पहुंच जाएगा एम्ब्रियो, तो हमने इसको नॉन सर्जिकली फीमेल से रिमूव कर लेना, कोई सर्जरी नहीं करनी, नॉन सर्जिकली हमने फीमेल से इसको बाहर निकाल लेना। फिर हमने सरोगेट मदर सिलेक्ट कर लेनी है। सरोगेट मदर्स कौन सी होती हैं, जो किसी और के बच्चे को अपने बॉम्ब के अंदर, अपने यूट्रस के अंदर रखती हैं, उनका खुद का बच्चा नहीं होता और उनको पैदा करती हैं वो। तो हमने दूसरी मदर सिलेक्ट कर ली, सरोगेट मदर्स। सरोगेट मदर्स के अंदर हमने एक एक एम्ब्रियो जो था वो रख दिया। अब वो पूरा जेस्टेशन पीरियड, जितना उस एम्ब्रियो को पूरे के पूरे बेबी डेवलप होने में लगना है, वो उस मदर के अंदर रहेगा। लेकिन जो तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर है, जेनेटिक मदर है, वो दोबारा अवेलेबल है फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ सुपर ओवुलेशन। अगली बार वो फिर से नेक्स्ट राउंड प्रिपेयर कर सकती है सुपर ओवुलेशन का। ठीक है, क्लियर, समझ आया? तो देखो तुमने क्या करवाया, पहले तुमने मल्टीपल ओवुलेशन करा ली, एक एग प्रोड्यूस कराने की बजाय तुमने 6 से लेके 8 एग्स प्रोड्यूस करवा ली। ठीक है, फिर तुमने क्या किया, उसकी मेटिंग करवा के क्या करवाया, सारे एग्स को फर्टिलाइज करवा दिया। जब एग एम्ब्रियो स्टेज पे पहुंच गया, तो तुमने उनको ट्रांसफर कर दिया टू द सरोगेट मदर। इसीलिए इसका नाम है मल्टीपल ओवुलेशन, एक से ज्यादा एग्स प्रोड्यूस करना, फिर एम्ब्रियो स्टेज के ऊपर उसको ट्रांसफर कर देना है टू द सरोगेट मदर, ताकि जो हमारी बायोलॉजिकल मदर है उसको हम दोबारा से क्या करवा सके, सुपर ओवुलेशन करवा के ऐसे ही और 6 से 8 जो है एग्स जो है और प्रोड्यूस करवा सके। इससे क्या है, हर्ड डेवलपमेंट होती है। मतलब अगर तुमने किसी एनिमल का झुंड तैयार करना है बहुत बड़ा, तो हम इस तरीके से उसका झुंड जो है वो तैयार कर सकते। This is called MOET. तो क्या स्टेप्स थे, पहला स्टेप था हमने सुपीरियर फीमेल सिलेक्ट की, सुपीरियर फीमेल को FSH लाइक हार्मोन वाला इंजेक्शन दे दिया, उससे उसने एक एग प्रोड्यूस करने की बजाय 6 से लेके 8 एग्स प्रोड्यूस किए। तो जब वो 6 से 8 एग्स प्रोड्यूस करेगी, हमने मेल सिलेक्ट किया हुआ है सुपीरियर, या तो हम उसका ले लेंगे क्या कहते हैं सीमेन, या फिर उसकी डायरेक्ट मेटिंग करवा देंगे। तो जब हमने उसके अंदर सीमेन डाला या डायरेक्ट मेटिंग करवाई, तो क्या हो गया, हमारे जो सारे एग्स थे वो फर्टिलाइज होके जाइगोट बन गए। जाइगोट अब एम्ब्रियो में डेवलप होना शुरू होएगा, एम्ब्रियो में डेवलप होना शुरू होएगा, तो एम्ब्रियो के अंदर स्टेजेस आएंगी 2, 4, 8, 16, 32।
तो जब वो 8 से लेके 32 सेल्ड स्टेज तक होता है तो हमने एम्ब्रियो को बाहर निकाल लेना है नॉन सर्जिकली, जो हमने सरोगेट मदर सिलेक्ट की है। सरोगेट मदर होती है जो किसी और के बच्चे को अपने जो है यूट्रस के अंदर रखती है, अपने बॉम्ब के अंदर रखती है, उसका खुद का बच्चा नहीं होता और उसको जन्म देती है, उसको कहते हैं सरोगेट मदर। तो हमने सरोगेट मदर सिलेक्ट करके एक एक एम्ब्रियो को उसके अंदर रखते गए और जो हमारी बायोलॉजिकल मदर या जेनेटिक मदर थी वो दोबारा अवेलेबल थी फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ सुपर ओवुलेशन। सो हमने पहले उससे मल्टीपल ओवुलेशन करवाई, फिर जो एम्ब्रियो स्टेज आई उस स्टेज के ऊपर हमने उसको ट्रांसफर कर दिया टू द सरोगेट मदर, इसीलिए इसका नाम है MOET, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ओके डन, समझ आई सबको? एक बार स्क्रीन के ऊपर देखो और एक बार पढ़ो इसको, अगर तुम्हें किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो। नॉन सर्जिकली कैसे, नॉन सर्जिकली कैसे निकालना है वो क्या कहते हैं, तुमने वो थ्री इडियट्स वाली मूवी देखी होगी, उसमें वो सक्शन पंप से खींचता है ना उसको, तो नॉन सर्जिकली भी हमारे पास एक वो होता है पंप सा, उसको फीमेल के वजाइना के थ्रू डाल के हम उसके थ्रू उसको खींच लेते हैं, लेकिन उसमें प्रेशर इतना होता है कि वो नुकसान नहीं करता उसको, एम्ब्रियो को। ओके, नॉन सर्जिकली हम इस तरीके से निकालेंगे। ओके ठीक है जी, तो आगे चलते हैं अब हम, ठीक है। तो दिस इज एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। देखो पहला, पहले हमने क्या किया, ओवम पिकअप कर लिया, ओसाइट्स की सिलेक्शन कर ली, देन लैब के अंदर ले गए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर दी, ये बॉडी के बाहर की है हमने, फिर उसको ट्रांसफर कर दिया इन विट्रो कल्चर को, ठीक है। हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है, फीमेल के अंदर ही वो करके हम जो है इसको कवर कर सकते हैं। तो इसके बाद अगली चीज, अब हम करेंगे एपिकल्चर। तो इसके साथ हमारी एनिमल ब्रीडिंग खत्म हो गई, तो अगला टॉपिक जो हमने करना है दैट इज द एपिकल्चर। एपिकल्चर का मतलब क्या है कि हमने बी पालनी है, हनी बीज होती है ना, उसको हमने रियर करना है, फिर उसका जो हनी होएगा या उसकी कोई और प्रोडक्ट्स हैं उसको हमने क्या करना है, जो उनकी जो प्रोडक्ट्स होएंगी उनको सेल करके हमने कमर्शियल बेनिफिट लेना है, दैट इज कॉल्ड एपिकल्चर, उसको हम एपिकल्चर का नाम देते हैं। तो एपिकल्चर, बी कीपिंग को हम एपिकल्चर का नाम देते हैं। इट इज द मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स ऑफ हनी बीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी। हमने हाइव्स जो है, हाइव्स मतलब जो बड़े बड़े उनके छत्ते होते हैं, घर होते हैं, उनकी मेंटेनेंस करनी है ताकि हम क्या प्रोड्यूस कर सके, हनी बी प्रोड्यूस कर सके। देखो ये हनी बी की जो इंडस्ट्री है ये ओल्ड एज कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है, बहुत ही छोटी सी इंडस्ट्री है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, हम हनी बी को पालते हैं, उनको रियर करते हैं, किस लिए, ताकि हम हनी बी वैक्स उनसे जो मिलती है हमें, ठीक है, हनी बी के पोलन्स जो होते हैं वो सारी चीजें जो हैं उनको हम बेच के उनको हम कमर्शियल बेनिफिट अपना जो है वो ले सके, ठीक है। तो जो बीज होती हैं ये एक्टिव होती हैं थ्रू आउट द ईयर, लेकिन ये विंटर में थोड़ी स्लगिश सी सुस्त हो जाती हैं, और स्प्रिंग सीजन में ये बहुत एक्टिव होती हैं क्योंकि इन्होंने नेक्टर वगैरह जो है वो कलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो अगर तुम्हें थोड़ा बहुत हनी बी के बारे में याद है तो हनी बी जो है वो एक सोशल इंसेक्ट है। सोशल इंसेक्ट मतलब ग्रुप में रहता है, अकेला नहीं रहता, ठीक है। देन हनी बी जो है वो हमारे पास डिवीजन ऑफ लेबर शो करता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि उन्होंने काम बांट रखे हैं, और एक ही उसके अंदर तुम्हें हाइव के अंदर अलग अलग क्लासेस मिलेंगी। अलग अलग क्लासेस मतलब एक कॉलोनी के अंदर तीन तरह के इंडिविजुअल्स होंगे जिनको हम नाम देते हैं क्वीन का, ड्रोन का और वर्कर का, ठीक है। तो पहली चीज के ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, मतलब जब तुम इनके इंडिविजुअल्स को देखोगे कोई तुम्हें किस तरह का लगेगा, कोई किस तरह का, क्योंकि ये मेनली तीन क्लासेस को बिलोंग करते हैं, क्वीन, ड्रोन्स
एंड तुम्हारे पास है वर्कर्स। एक हाइव के अंदर एक ही क्वीन होती है, एक जो हाइव होएगा उसके अंदर क्वीन एक ही होएगी, बाकी सारे ड्रोन्स या फिर वर्कर्स होंगे। दूसरा, ये डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं, मतलब इन्होंने अपने बीच में काम बांट रखा है। कुछ नर्स बीज होती हैं जो एग्स के अंदर जो लार्वा वगैरह होता है उनको फीड करती हैं, उनका देखभाल करती हैं, कुछ क्लीन करती हैं हाइव को, कई फूड कलेक्ट करके लेके आती हैं। तो इन्होंने अपने काम बांट रखे हैं, इसीलिए डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं। कॉलोनियल इंसेक्ट है, कॉलोनी बना के रहता है, ठीक है, कॉलोनी में रहता है, अकेला नहीं रहेगा। देन जो है इसके अंदर क्या है, तीन तरह की कास्ट मिलेंगी तुम्हें, क्वीन, वर्कर एंड द ड्रोन्स, ठीक है। तो हाइव के अंदर 50,000 से 60,000 हनी बीज होती हैं, और सोशली ऑर्गेनाइज्ड होता है, मतलब ग्रुप में रहता है। एंड ऑर्गेनाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर इज फाउंड इन द कॉलोनी, डिवीजन ऑफ लेबर दिखाई देगी तुम्हें। ईच कॉलोनी के अंदर थ्री कास्ट होंगी, क्वीन, ड्रोन एंड वर्कर। जो हनी बी होती है क्वीन, ये अकेली फीमेल है जो फर्टिलाइज्ड एग्स डेवलप करती है, ठीक है, जो फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होती है। और इसका जो मेन फंक्शन है ये है रिप्रोडक्शन, मतलब ये मेनली रिप्रोडक्शन करेगी। और ये क्या करती है, एक दिन के अंदर 2000 एग्स लेकर। तो देखो क्वीन तुम्हारे सामने है, तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर 50 to 20 millimeter लॉन्ग है। इसकी ओवरी इज फिल्ड विद द एग्स, ओनली वन क्वीन डेवलप्स फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। ये वाली जो है एक ही क्वीन डेवलप करेगी फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग, और इसके पास 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसका जो मेन फंक्शन होता है दैट इज रिप्रोडक्शन, इसने रिप्रोड्यूस करके आगे एग्स प्रोड्यूस करके आगे जनरेशन को कंटिन्यू करना है, ठीक है। देन इट लेज 2000 एग्स एवरी डे, इट फीड्स ऑन रॉयल जेली। रॉयल जेली इनकी एक सिक्रेशन होती है जिसके ऊपर ये फीड करती है, देन एग्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास ड्रोन्स। तो ड्रोन्स कौन से होते हैं हमारे पास, ड्रोन्स होते हैं मेल, मेल होते हैं हमारे पास, उनको हम ड्रोन कहते हैं। अबाउट 100 मेल बीज आर प्रेजेंट इन वन हाइव। इनके पास सेलिवरी ग्लैंड्स एब्सेंट होती हैं, इनके पास वो जो डंक मारते हैं, जैसे मक्खी हमें लड़ जाती है ना कई बार, सोजिश आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो वो भी इनके पास नहीं होता, क्योंकि इनका सिर्फ काम क्या है कि इन्होंने क्वीन को फर्टिलाइज करना है। क्वीन को फर्टिलाइज करके इन्होंने क्या करना है, एग्स की प्रोडक्शन को जो है वो करना है, ताकि इनका हाइव जो है उसके अंदर और बीज मल्टीप्लाई हो सके। तो इसके पास ना सेलिवरी ग्लैंड्स होएंगी, ना इसके पास स्टिंग होएगा, स्टिंग वो डंक जिसको बोलते हैं, ना इसके पास कोई वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होएंगी, ठीक है, ये सारा कुछ एब्सेंट होएगा इनके पास। दे आर डिपेंडेंट ऑन वर्कर बीज फॉर न्यूट्रिशन, और ये वर्कर बीज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, वही इनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। दे डेवलप्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग्स, सो दे हैव 16 क्रोमोसोम्स ओनली। तो ये अनफर्टिलाइज्ड एग्स से डेवलप करते हैं, तो इनके पास क्रोमोसोम नंबर हाफ ही होता है, दैट इज द 16 ओनली, और इनका मेन फंक्शन जो है दैट इज टू फर्टिलाइज द क्वीन, ठीक है। तो ये हमारे पार्थिनोजेनेसिस से बनते हैं, ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस तुम पढ़ चुके हो ना। तो इनके पास 16 क्रोमोसोम्स होते हैं और इनका मेन फंक्शन जो है दैट इज टू फर्टिलाइज द क्वीन ओनली। देन बात करते हैं हम किसकी, वर्कर बीज की। वर्कर बीज जो है हमारे पास, महिमा म्यूट करो अपने आप को। वर्कर बीज जो है इनका मैक्सिमम नंबर होता है हाइव के अंदर, और इनका साइज सबसे छोटा होता है। तो सबसे छोटी छोटी जो दिखेंगी वही ज्यादा हमें लड़ती हैं, उन्हीं के पास क्योंकि स्टिंग होता है, तो मैक्सिमम नंबर होएगा हाइव के अंदर और सबसे छोटा साइज होएगा। और इनके विंग और माउथ पार्ट्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि इन्होंने ही नेक्टर सक करना है, इन्होंने ही दूर दूर से जो है फूड सोर्सेज को लोकेट करके वहां से फूड इकट्ठा करके लेके आना है। माउथ पार्ट्स एंड लेग्स आर मॉडिफाइड टू सक द नेक्टर ऑफ द फ्लावर्स एंड टू कलेक्ट द पोलन ग्रेन्स। तो इनके जो मुंह के पार्ट्स होते हैं उनसे ये क्या करते हैं, नेक्टर को सक करते हैं फ्लावर्स में से और वहां से पोलन ग्रेन्स को इकट्ठा करके लेके आते हैं। इनके पास वैक्स ग्लैंड्स भी होएंगी, सेलेवरी ग्लैंड्स भी होएंगी, ठीक है, और इनके पास स्टिंग भी होएगा, ठीक है। सो दे आर द स्टराइल फीमेल्स, दे डेवेलप फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग्स।
फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप करती है, लेकिन ये स्टराइल होती है, आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती ड्यू टू हाई लेवर, बहुत काम करने की वजह से इसका लाइफ टाइम जो है वो कम पड़ जाता है, दैट इज अबाउट 6 to 8 weeks का, 6 to 8 हफ्ते तक की इनकी जो है वो लाइफ होती है। सोल क्या होता है? सोल का मतलब होता है अकेला, जैसे मैं कहूं कि तुम्हारा सोल काम जो है घर पे बैठ के वो पढ़ाई करना है, ठीक है, लेकिन तुम्हें आजकल और काम बड़े होते हैं, जैसे तुम अभी बैठ के स्क्रीन के ऊपर ये पॉइंट्स अंडरलाइन कर रहा है, कोई टिक लगा रहा है, कोई बीच में हार्ट बना के भेज रहा है, तो मेरे सामने आना तुम्हारे हार्ट तो मैं तब तोड़ूंगी ये सारे जो मेरे पास आ रहे हैं ना, फिर तुम आवाज भी नहीं निकालते होते, एक बार पता लग जाए कौन बना बना के भेज रहा है ये। तो तुम्हारा सोल पर्पस जो है वो पढ़ाई करना है, ठीक है, इसीलिए अपना ध्यान जो है वो उधर को ही रखो, कंसंट्रेट करो ऑन योर स्टडीज, बिकॉज दिस इज वेरी क्रूशियल टाइम फॉर यू। ये मत सोचो कि कोरोना आ गया तो हमारा जो है हम घर पे बैठे हैं बस आराम करेंगे, नीट का पेपर तो होके ही हटेगा। चलो नेक्स्ट देखो, तो हम क्या देखने हैं कि हमने देखा कि इनके अंदर सबने अपने काम बांटे हुए हैं, जिसको हम नाम देते हैं डिवीजन ऑफ लेबर का। 3 कास्ट मिलेंगी, क्वीन मिलेगी, हनी देन वर्कर बीज मिलेगी, देन ड्रोन्स। ड्रोन मेल होएगा, पार्थिनोजेनेसिस से बनेगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ 16 होएगा, सिर्फ उसका एक ही फंक्शन है हाइव के अंदर कि वो फीमेल जो है दैट इज द क्वीन उसको फर्टिलाइज करेगा। ओके, क्वीन जो है वो फीमेल है जो एग्स प्रोड्यूस करेगी, उसका भी एक ही काम है, उसने एग्स प्रोड्यूस करने हैं एक दिन के अंदर। इन दोनों को खाना पानी न्यूट्रिशन इनका जो है साफ सफाई सारा कुछ इन चीजों का ख्याल रखेंगी वर्कर बीज। वर्कर बीज जो है वो बनती तो फर्टिलाइज्ड एग्स से हैं, लेकिन वो आगे खुद स्टराइल होती है, ठीक है, सबसे छोटी होती है, उनके पास स्टिंग भी होएगा, उनके पास जो है ये नेक्टर इकट्ठा करने के लिए उनके माउथ पार्ट्स जो है वो मॉडिफाइड होंगे, उनके पास स्टिंग भी होएगा, उनके पास सेलिवरी ग्लैंड्स भी होंगी, उनके पास सारा कुछ प्रेजेंट होएगा, लेकिन बहुत ज्यादा काम करने की वजह से उनका लाइफ स्पैन जो है वो बाकी दोनों से कम होता है, ठीक है। तो ऐसा होता है इसमें जो है हमारी तीनों जो है क्लासेस इसकी कास्ट जो है अपना काम डिवाइड करके रखती हैं, जिसकी वजह से हम इसको डिवीजन ऑफ लेबर का नाम देते हैं। अब तुम देखो, तुम में से कईयों के पास पिछले साल तो हमारे पास जो बच्चे थे सुपर 100 के, उन्होंने कईयों ने अपने घर के अंदर ये बी कीपिंग की हुई थी, तुम्हारा मुझे पता नहीं किस किस ने की हुई है। तो देखो अगर तुमने बी कीपिंग की भी हुई है तो उनको ज्यादा पता होता है इन चीजों का, कि सबसे पहले तो हमें नॉलेज एंड नेचर ऑफ द बीज पता होनी चाहिए, कहीं हम ऐसी बी रख के बैठ जाएं घर पे जो बहुत ज्यादा स्टिंग मारती है ना, जिसकी नेचर बहुत ज्यादा जो है मतलब तुम कह सकते हो अग्रेसिव है, अगर अग्रेसिव होती है गुस्से वाली, अगर ऐसी हनी बी को हम रख लेंगे तो वो हमें ही नुकसान पहुंचाएगी। तो हमें हनी बी ऐसी सिलेक्ट करनी चाहिए जो माइल्ड सी नेचर की हो, शांत सी हो, लेकिन हनी ज्यादा प्रोड्यूस करती, ठीक है। फिर हमें सूटेबल लोकेशन सिलेक्ट करनी है फॉर कीपिंग द हाइव, उनका जो हाइव है उनको रखने के लिए हमने एक सूटेबल जो है लोकेशन देखनी है, ऐसी लोकेशन पे होना चाहिए जहां से वो रास्ते में पड़ती हो और वहां से वो उड़ के कहां जाएं, फूलों में से नेक्टर वगैरह सक करने के लिए जाएं, ठीक है, तभी वो रास्ते में आके वहां पे अपना जो है नेक्टर जो है उनको डाल के हनी बनाएं। कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वार्म्स, इनका जो झुंड है, स्वार्म्स होते हैं जिस ग्रुप में ये उड़ती हैं, उनको कैसे कैच करना है और उनको हाइव के अंदर कैसे रखना है ये भी हमें पता होना चाहिए। फिर इनके बी हाइव्स को अलग अलग सीजन्स के अंदर हमने कैसे मैनेज करना है, विंटर सीजन के अंदर कैसे करना है, समर के अंदर कैसे करना है, वो हमें पता होना चाहिए। फिर हमें हैंडलिंग ऑफ हनी एंड बी वैक्स, जो हम इनमें से हनी निकालते हैं उसको कैसे हैंडल करना है। देखो कई लोग क्या करते हैं, पूरे का पूरा हाइव जला देते हैं, जिसकी वजह से जो उनके अंदर एग्स पड़े होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, उनके अंदर अगली नेक्स्ट जनरेशन पड़ी होती है वो भी सारी खत्म हो जाती है। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, हनी ऐसे कलेक्ट करना चाहिए कि हाइव जो है उसको भी नुकसान ना हो, अगली प्रोजेनी को भी नुकसान ना कर हो और हमारे पास हनी भी आ जाए।
कैन बी प्रैक्टिस्ड इन एनी एरिया वेयर देर आर सफिशियंट बी पास्चर्स, किसी भी एरिया के अंदर हम रख सकते हैं जहां से बीज का रास्ता पड़ता हो, वो वहां से जाएं, कहां जाएं, वाइल्ड श्रब्स, फ्रूट, ऑर्किड्स, फ्रूट के जो बाग हैं हमारे पास, जो क्रॉप्स हैं, वहां से जाए, रास्ते में हम इनके हाइव्स रखते ताकि जब ये अपना नेक्टर इकट्ठा कर लें तो उस हाइव के अंदर आके डाल के उसको हनी में कन्वर्ट कर दें। तो बी हाइव्स को हम कहीं पे भी रख सकते हैं, कोर्ट यार्ड में, बरांडा में, जहां अपनी छत के ऊपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें पता होना चाहिए इनकी नेचर और हैबिट के बारे में, हमें इनको मैनेज करना आना चाहिए हर एक सीजन के अंदर, फिर हमें हैंडलिंग ऑफ हनी और बी वैक्स पता होना चाहिए। किसी भी एरिया में रख सकते हैं लेकिन वो रास्ता पड़ता हो इनके जो हैं फ्रूट के जो बाग हैं, जहाँ फूलों के बाग हैं, उधर को जाने का, और कहीं पे भी हम इनको रख सकते हैं। और इनको पकड़ना कैसे है, हाइव के अंदर कैसे डालना है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम ध्यान में रखोगे। ये हमारे पास चार तरह की स्पीसीज हैं, कौन कौन सी हैं, एपिस मेलिफेरा इटालियन बी, एपिस इंडिका इंडियन बी, देन एपिस डॉर्सेटा रॉक बी, एपिस फ्लोरिया लिटिल बी। तो देखते हैं कौन कौन सी है। मेलिफेरा इटालियन बी है, माइल्ड सी नेचर की है, ठीक है, लेकिन बहुत हनी यील्ड करती है, मोस्ट यूजफुल फॉर कमर्शियल पर्पस, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वराइटी। एपिस इंडिका इंडियन बी है, लिव्स अक्रॉस होल इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर मिलती है, स्मॉलर देन रॉक बी, जो रॉक बी होती है एपिस डॉर्सेटा उससे ये छोटी है, नेचर इसकी माइल्ड है, इजिली मैनेजेबल है, ठीक है, लेकिन ये एक हाइव में सिर्फ 3 या 4 किलो हनी मिलता है, ठीक है। देन एपिस डॉर्सेटा रॉक बी सबसे बड़ा साइज है, हाइएस्ट यील्ड ऑफ हनी, सबसे ज्यादा हनी यील्ड करती है, हाईली अग्रेसिव, सबसे ज्यादा गुस्से वाली भी यही है, माइग्रेटरी स्पीसीज है, मतलब आज यहाँ तो कल कहीं और, एक जगह टिक के नहीं बैठती, माइग्रेट करती रहती है, नॉट सुटेबल फॉर रियरिंग, इसीलिए हम इसको पाल नहीं सकते, रियर नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास आती है एपिस फ्लोरिया लिटिल बी। एपिस फ्लोरिया जो है ये लिटिल बी है, स्मॉलेस्ट इन साइज है, माइल्ड सी नेचर है इसकी, लेकिन ये एक हाइव में सिर्फ 250 ग्राम हनी देती है, इसीलिए कमर्शियल पर्पसेस के लिए ये अच्छी नहीं है। तो हम जिस हनी बी को प्रेफर करते हैं दैट इज द इटालियन बी, दैट इज एपिस मेलिफेरा, ठीक है। ऑल्दो रॉक बी डॉर्सेटा जो है वो सबसे मैक्सिमम हनी देती है, लेकिन वो सबसे ज्यादा अग्रेसिव भी है और वो एक जगह टिक के नहीं बैठती क्योंकि वो माइग्रेटरी स्पीसीज है, इसीलिए हम इसको प्रेफर नहीं करते, ठीक है। देन उसके बाद बीज जो है वो कैसे करती हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे करती हैं, जब बीज हवा में उड़ रही होती हैं तो ये दो तरह का डांस परफॉर्म करती है, ठीक है। एक होता है राउंड डांस, थोड़ी सी 10-15 बीज जाएंगी और गोल गोल घूमना शुरू कर देंगी, तो ये पीछे वालों को मैसेज दे रही होती है गोल गोल घूम के जो फूड का सोर्स है वो 75 मीटर के रेंज के अंदर अंदर है, तो हमें ज्यादा दूर नहीं जाना। लेकिन एक जो करती है टेल वैगिंग डांस, पीछे से सिर्फ अपनी टेल वाला पोर्शन जो है उसको हिलाती रहती है ऐसे, तो इसका मतलब है हमें काफी दूर जाना पड़ेगा, तो तुम तैयारी करके आना। जैसे तुम नहीं इसमें कई बार करते थे, एक बाहर निकल गया वो वहां खड़े होके दूसरे को इशारा करता था कि आजा आजा निकल जाएंगे, कोई नहीं देख रहा है ना, दैट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग है ना, तो ऐसे ही ये कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। अगर राउंड डांस परफॉर्म कर रहे हैं तो मतलब दे आर इन द रेंज ऑफ फूड सोर्सेज इन द रेंज ऑफ 75 मीटर्स, अगर टेल वैगिंग परफॉर्म कर रहे हैं इसका मतलब फूड सोर्स जो है वो काफी दूर है, तो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करके आना, ठीक है। तो अब ये हनी कैसे बनाते हैं, ये देखो हनी कैसे बनता है इसके अंदर, लाइफ साइकिल हमने नहीं करना, वो मैंने डाल दिया है, हमने नहीं करना। लेकिन वर्कर बीज जो है वो नेक्टर इकट्ठा करके लेके आएंगी, फिर उनके अंदर हनी सैक होता है उसमें वो स्टोर करेंगी, फिर उनके अंदर जो मतलब जो नेक्टर इकट्ठा किया है उनके अंदर सुक्रोज होता है, उसके ऊपर एंजाइम्स एक्ट करेंगे और वो किसमें चेंज कर देंगे उसको, ग्लूकोस एंड लिवोलोस। फिर जो हाइड्रोलाइज नेक्टर होएगा उसको वो रीगर्जिटेट करेंगे, रीगर्जिटेट का मतलब होता है पहले अंदर ले लिया, फिर उसको मुंह में ले आए, फिर ऐसे ऐसे किया, फिर अंदर ले गए, फिर वापस मुंह में ले आए, फिर डीगर्जिटेट किया,
ऐसे करके। ऐसे करने के बाद फिर क्या करते हैं, ये जो सेल्स होते हैं हाइव के अंदर उसके अंदर डाल देते हैं। जब डाल देते हैं तो हनी बीज जिनके बड़े बड़े विंग्स होती हैं, फिर वो क्या करते हैं अपने विंग्स के साथ ऐसे जैसे पंखा झेलते हैं ऐसे करेंगे, फैनर्स बोलते हैं हमको। तो जितना उसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर होएगा वो सारा इवेपोरेट हो जाएगा और ये जो कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट बनती है इसको हम हनी का नाम देते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास एक मिनट से कम रह गया है क्लास के लिए। ठीक है, तो अगर बंद हो गया तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो क्या किया, नेक्टर इकट्ठा किया, अपने हनी सैक में रख लिया, सलाइवा के एंजाइम्स ने एक्ट करके उसको ग्लूकोस और लिवोलोज में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसको वापस अपने मुंह में ले आए, ऐसे ऐसे किया